फंक्शंस एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ मैग्नीशियम इन प्लांट्स, इस टॉपिक के बारे में इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज। मेरा नाम है दिवाकर खत्री। और सबसे पहली बात जो आप ऑलरेडी जानते हैं कि मैग्नीशियम जो है वो प्लांट किस तरह से अपटेक करता है। तो मैग्नीशियम की अपटेक होने वाली फॉर्म जो है वो Mg+2 यानी Mg++ के रूप में से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो Mg+2 के रूप में प्लांट जो है उसे अपटेक करता है, राइट? ये आप ऑलरेडी जानते होंगे। तो ये जो Mg+2 फॉर्म है प्लांट के अंदर मोबाइल फॉर्म होती है। मोबाइल है यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती रहती है, एक सेल से दूसरी सेल के अंदर ये ट्रांसफर होती रहती है। तो इससे हम कहते हैं ये मोबाइल फॉर्म होती है। अभी मोबाइल फॉर्म है तो इसकी डेफिशिएंसी कहाँ देखी जाएगी? ओल्डर लीव्स में। ओल्डर लीव या जिसे हम कहते हैं लोअर पार्ट्स जो हैं, वहाँ जो लीव्स हैं उसे हम कहते हैं, वहाँ हम देख सकते हैं कि ये मोबाइल एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी देखी जाती है, राइट? तो डेफिशिएंसी के ऊपर अभी थोड़ी देर में हम फोकस करेंगे। उससे पहले एक बात और याद रखते हैं कि मैग्नीशियम जो है उसकी सफिशिएंसी रेंज क्या है, मतलब इतना हो तो प्लांट जो है सेटिस्फाइड रहेगा। मतलब देखेंगे कि 0.1 से 0.4% मैग्नीशियम अगर हम देखते हैं प्लांट सेल के अंदर है तो वो सेटिस्फाइड है उससे, है ना? अगर इससे कम है, 0.4 से कम हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा? डेफिशिएंसी सिम्टम्स आएंगे, है ना? तो ये हुई जनरल बातें मैग्नीशियम से रिलेटेड। पिछली वीडियो के अंदर हमने कैल्शियम से रिलेटेड भी इस तरह की कुछ बातें जानी थी, है ना? हमने स्टार्ट किया था सेकेंडरी मिनरल्स के बारे में डिस्कशन। तो सेकेंडरी मिनरल्स में पहले हम कैल्शियम की बात कर चुके हैं और अब हम बात कर रहे हैं मैग्नीशियम के बारे में, है ना? तो कैल्शियम की सफिशियंसी रेंज भी मैंने आपको बताई थी, आपको याद हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हम देख रहे हैं मैग्नीशियम के मेन फंक्शंस क्या हैं प्लांट के अंदर, कि इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, इन्हें अभी याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला फंक्शन जो है, मैग्नीशियम इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। ये बात आप मुझे लगता है कि जानते होंगे कि क्लोरोफिल जो होता है उसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मैग्नीशियम। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं वहाँ जो पोरफायरिन रिंग्स होती हैं, पोरफायरिन रिंग्स का मतलब आप जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है, चार नाइट्रोजन के बीच में एक मैग्नीशियम है और साथ में भी एक लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर होता है इसका। तो खैर, अभी हम याद रखते हैं कि वहाँ चार नाइट्रोजन जो है एक मैग्नीशियम को एक सेंटर कैटायन के रूप में पकड़ के बैठे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका? क्लोरोफिल का। तो मैग्नीशियम अगर कम होगा तो मतलब क्लोरोफिल का बनना जो है वो गड़बड़ा जाएगा। तो खैर, अभी हम बात कर रहे हैं कि ये कंपोनेंट है क्लोरोफिल का। अब देखिए, ये यहाँ से रिलेटेड एक मैंने बहुत छोटे छोटे वर्ड्स में लिख रखा है, आई होप आप पढ़ पाए इसे, कि पावर हाउस बिहाइंड PS। PS मतलब है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के पीछे का पावर हाउस है ना, एक बचपन से एक क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है, है ना? हर कोई जानता है भाई माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन अभी हम याद कर रहे हैं कि पावर हाउस बिहाइंड फोटोसिंथेसिस। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है और क्लोरोफिल का कंपोनेंट कौन है? मैग्नीशियम है, है ना? तो इसलिए हम कह रहे हैं कि मैग्नीशियम इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस बिहाइंड द फोटोसिंथेसिस। ओके, अब ये जो क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमें बताया किसने था? तो साइंटिस्ट का नाम भी हम यहाँ याद रखते हैं, रिचर्ड विल्स्टर। क्या नाम है? रिचर्ड विल्स्टर जो है, इन्होंने 1915 के अंदर क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर के अंदर मैग्नीशियम की प्रेजेंस भी बताई। तो कहने का मतलब क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, तो इसलिए इन साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा। इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था, है ना? तो ये हम बात याद रखते हैं, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया, आपने याद भी कर लिया, राइट? ये आपने नोटबुक में नोट किया। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल जो है उसके अंदर हमने बात करी थी मिडल लैमिना जो बनती है, वहाँ कैल्शियम पैक्टेट की बात करी थी। तो कैल्शियम पैक्टेट के साथ में मैग्नीशियम पैक्टेट भी यहाँ अपना एक रोल प्ले करता है। तो कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट दोनों ही प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल के अंदर, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। साथ में एक बात ये भी इंपॉर्टेंट है कि कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट में कौन ज़्यादा है, कैल्शियम पैक्टेट या मैग्नीशियम पैक्टेट? तो याद रखेंगे कैल्शियम पैक्टेट जो है वो ज़्यादा होता है, उसका अमाउंट ज़्यादा होता है। लेकिन अभी हम बात करें, कुछ कम अमाउंट है लेकिन है तो सही, कौन? मैग्नीशियम पैक्टेट भी। अब आप ये भी याद रखिएगा कि कैल्शियम और मैग्नीशियम में ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है? क्या आप जानते हैं मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? 282, 12 नंबर पे आता है, तो 282, है ना? और जबकि हम कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो क्या होगा? 2882, 20 नंबर पे आता है, तो 2882। दोनों के आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन है। फर्क ये है कि यहाँ हम 88 मतलब कैल्शियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं उसके अंदर जो बाहर के जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो काफ़ी कम मजबूती से जुड़े हैं न्यूक्लियस से, तो वो आराम से रिलीज हो सकते हैं। जबकि मैग्नीशियम जो है वो थोड़ा छोटा है, क्योंकि उसके अंदर हम देख रहे हैं न्यूक्लियस जो है ज़्यादा मजबूती से पकड़ के बैठा है आउटर मोस्ट शेल के दो इलेक्ट्रॉन्स को, है ना? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैग्नीशियम आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेगा, कैल्शियम आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव माना जाता है। इसलिए ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो इसके कंपाउंड भी हम देखेंगे जो सेल हैं या प्लांट सेल है उसके अंदर ज़्यादा देखे जाते हैं, याद रखेंगे इस बात को। ओके,
तीसरी बात कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम, ये भी बात ज़रूरी है। राइबोसोम की दो सब यूनिट्स होती हैं, है ना। आपने कभी पढ़ा होगा कि हम 70 sRNA या 80 sRNA बोलते हैं, तो वहाँ उनकी यूनिट्स होती हैं। तो उनकी जो एक बड़ी यूनिट होती है, एक छोटी यूनिट होती है, तो उन दोनों को जोड़े रखने का काम कौन करता है? उन दोनों को जोड़े रखने के लिए मैग्नीशियम की यूनिट्स या मैग्नीशियम आयन ज़रूरी होता है। तो याद रखिएगा कि मैग्नीशियम एक आयोनिक बॉन्ड बना रहा है या आयोनिक ब्रिज का काम कर रहा है दो सब यूनिट्स के बीच में, याद रहेगा। तो ये राइबोसोम का भी एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है। साथ में हमने लिखा है एक्टिवेट्स, मतलब मैग्नीशियम क्या एक्टिवेट करता है? फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन का बनना, यानी हम कहते हैं एमिनो एसिड्स का बनना, यानी हम कहते हैं प्रोटीन का बनना। तो यानी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी कौन ज़रूरी है? तो हम देखते हैं मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, याद रहेगा ये बात। तो अपने कॉपी में आराम से लिख लीजिएगा, ज़रूर लिखिएगा। और हम चौथा पॉइंट याद रखते हैं कि अ लार्ज पार्ट ऑफ मैग्नीशियम इज एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनिक एनायंस, यानी मैग्नीशियम का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो ऑर्गेनिक आयंस, ऑर्गेनिक एनायंस जिन्हें हम कह रहे हैं, ऑर्गेनिक एनायन एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है मैलेट और सिट्रेट, मैलेट और सिट्रेट के साथ ये जुड़े रहते हैं। तो हम ये यहाँ से इस बात को याद करने की कोशिश करते हैं, किस बात को याद करने की कोशिश करते हैं कि इम्पॉर्टेंट फॉर कैटायन एनायन बैलेंस, कि मैग्नीशियम जो है वो कैटायन एनायन के बैलेंस के लिए ज़रूरी है। सेल के अंदर कैटायन और एनायन का जो बैलेंस है उसके लिए कौन ज़रूरी है? मैग्नीशियम ज़रूरी है। एंड ऑल्सो इट रेगुलेट्स द सेल पीएच, मैग्नीशियम सेल पीएच को भी रेगुलेट करता है, याद रखिएगा इस बात को कि सेल पीएच को ये 7 to 8 बनाए रखने की कोशिश करता है। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो एंजाइम्स हैं उनको एक फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगा, किसके लिए? रिएक्शन के लिए, है ना। तो 7 to 8 जो होती है ऑप्टिमम पीएच होती है एंजाइम्स के लिए, ताकि वो उसके अलग अलग वर्क कर सकें, ताकि सब्सट्रेट को वो अलग अलग प्रोडक्ट्स के अंदर बदल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, हम ये याद करते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मैग्नीशियम इज इंपॉर्टेंट फॉर कैटायन एनायन एक्सचेंज, और सॉरी कैटायन एनायन बैलेंस, एंड ऑल्सो इट रेगुलेट्स द सेल पीएच विच इज 7 to 8, ओके याद रहेगा। और एक और आप देखिए, एंजाइम की बात जब मैंने शुरू करी ही दी है तो कुछ एंजाइम्स के नाम हैं वो हाथों हाथ याद कर लेते हैं। पहला एंजाइम कौन सा? जो कि है रूबिस्को, यानी नाम तो सुना ही होगा, बहुत फेमस नाम है रूबिस्को, है ना, कि आपको पता होना चाहिए कि मोस्ट एबंडेंट एंजाइम है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, वर्ल्ड में या अपन देख सकते हैं अलग अलग जगह पे, मतलब अलग जगह पे इन द सेंस कि अलग अलग रिएक्शंस जो भी हो रही हैं तो उनके अंदर कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं एनिमल्स हों चाहे वो प्लांट्स हों, तो उसके अंदर हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा एंजाइम जो देखा जाता है वो कौन सा एंजाइम होता है, तो वो रूबिस्को ही होता है ना। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबंडेंट एंजाइम, तो आप याद रखेंगे रूबिस्को। फुल फॉर्म क्या थी? फुल फॉर्म ये थी राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। एक और एंजाइम भी इंपॉर्टेंट होता है जो कि हम कहते हैं पेप्सी, पेप्सी पीने वाली पेप्सी नहीं, यहाँ हमारी पेप्सी कौन सी है, तो हम देखते हैं फॉस्फोइनोल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज, कौन सी? फॉस्फोइनोल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज। अब ये दोनों ही एंजाइम या एक और एंजाइम भी लगे हाथ बोल ही देते हैं कि ग्लूटामिन सिंथेटेज, ठीक है। ये तीनों एंजाइम्स जो हमने लिखे हैं इनका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम जो है एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इन तीनों एंजाइम्स का। तो ये मैग्नीशियम इनसे होने वाली रिएक्शंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि भाई ये एंजाइम्स जो है एक्टिवेट नहीं होंगे तो फिर हम देख सकते हैं क्या वो प्रोसेस नहीं होंगे, प्रोसेस नहीं होंगे तो मतलब मैग्नीशियम ज़रूरी है, ज़रूरी है, ज़रूरी है। अब देखो ये जो हमने बात करी रूबिस्को, उसका क्या काम होता है? ये रूबिस्को और पेप्सी मुझे लगता है कि आपको पता होगा कि CO2 फिक्सेशन के लिए ज़रूरी होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। ग्लूटामिन सिंथेटिस किसके लिए ज़रूरी होता है? तो ये याद रखते हैं कि अमोनियम को ये अमीनो एसिड्स के अंदर बदलता है। ग्लूटामिन, ग्लूटामिन आ रहा है तो ग्लूटामिक एसिड से नाम से याद रख लो, ग्लूटामिक एसिड तो क्या है? अमीनो एसिड है। तो इस तरह से याद रखा है मैंने कि ये अमोनियम या अमोनिया को अमीनो एसिड में बदलने के लिए ज़रूरी होता है। तो इसका भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कौन? मैग्नीशियम। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन हुआ। साथ में मैग्नीशियम इज इंपॉर्टेंट फॉर DNA एंड RNA ऑल्सो, मतलब DNA RNA का जो बनना है उनकी प्रोसेस है, RNA पॉलीमरेज नाम का एंजाइम होता है तो उनकी फंक्शनिंग के लिए, साथ में DNA का जो स्ट्रक्चर है उसकी स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए। तो कहने का मतलब कई जगह पे मैग्नीशियम का इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो DNA RNA से भी रिलेटेड है मैग्नीशियम, इसे भी याद रखेंगे। साथ में मैग्नीशियम इज इंपॉर्टेंट फॉर फॉस्फेट ट्रांसफर फ्रॉम ATP, मतलब जिसमें हमने लिखा है फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस एक तरह से हम देखते हैं ATP का बनना ही है, है ना। तो फिर ये जो फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस है, या हमने निकला है कि फॉस्फेट का अलग होना जो है ATP से फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का अलग होना जो, इस तरह का जो प्रोसेस है जो कि इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर, तो उसके लिए भी मैग्नीशियम ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ याद कर लीजिए, अपने आप अपने कॉपी में लिख लीजिए कि ATPase एंजाइम जो होता है, वैसे तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको ATPase के बारे में बताया था कि ATPase का कंपोनेंट कैल्शियम भी है, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम को भी हम याद रखते हैं कि ATPase के लिए
मैग्नीशियम भी ज़रूरी होता है। ATPase क्या होता है, ATPase, एज लगा हुआ है पीछे तो मतलब ATP को तोड़ेगा, है ना। किसी भी एंजाइम के पीछे हम एज लगा, मतलब कोई भी एंजाइम जिसके पीछे एज लगा हुआ है वो अल्टीमेटली उस कंपोनेंट को तोड़ने में काम आता है ना। जैसे माल्टेज कहें तो वो माल्टोज को तोड़ रहा है, राइट, ये चीज़ आप जानते हैं। तो वैसे ही ATPase मतलब ATP को तोड़ रहा है वो। तो ATPA का टूटना ADP प्लस एनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, तो इस तरह से ATP का टूटना जो है यानी एनर्जी जहाँ भी निकल रही है जिन प्रोसेस के अंदर, जहाँ ATP निकल रही है वहाँ ज़रूरी है कौन, मैग्नीशियम ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि ATP को तोड़ने के लिए ATPase चाहिए और ATPase का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है मैग्नीशियम। तो एक तरह से चार एंजाइम याद कर लिए, रूबिस्को, पिप्सी और पिप्सी नहीं पेप्सी, और हमने देखा ग्लूटामिन सिंथेटिस, और एक चौथा भी बोल दिया मैंने ATPase, है ना। तो इस तरह से हमने कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस देखे किसके, मैग्नीशियम के। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या जानेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में इन प्लांट्स, है ना। और इस वीडियो से पहले के वीडियोस आपने नहीं देखे हैं जिनके अंदर हम मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के काफी सारे ऑलरेडी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। अगर इन केस आपने वीडियोस नहीं देखे हैं उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें वहीं देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ मैग्नीशियम इन प्लांट के बारे में। तो सबसे पहला जो डेफिशिएंसी सिम्टम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इंटरवीनल क्लोरोसिस। क्या है इंटरवीनल क्लोरोसिस, याद है मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि बहुत बड़ा नाम है इंटरवीनल क्लोरोसिस। तो आप इसे दो अल्फाबेट वाले एलिमेंट की डेफिशिएंसी से याद रखिएगा। क्या मैंने कहा था ऐसा कुछ आपको पहले भी कि सिर्फ क्लोरोसिस पूछता है, तो मैंने कहा था सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट या सिंगल अल्फाबेट वाला एलिमेंट की डेफिशिएंसी बतानी होती है हमें, अगर क्योंकि इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आपसे पूछते हैं इंटरवीनल क्लोरोसिस इन ओल्डर लीफ, इंटरवीनल क्लोरोसिस इन यंगर लीफ, है ना। तो आपसे याद रखना है आपको कि डबल अल्फाबेट जैसे कि मैग्नीशियम एम जी दो आ रहे हैं ना अल्फाबेट, या सिंपल जैसे कि नाइट्रोजन अकेला एक सिंगल एलिमेंट है, तो वहाँ मैंने आपके बारे में मतलब उस वीडियो के अंदर अच्छे से बताया था। अगर आपको वो चारों पॉइंट अच्छे से याद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं इंटरवीनल क्लोरोसिस इन ओल्डर लीफ। ओल्डर क्यों, क्योंकि ये मोबाइल एलिमेंट है तो इसकी डेफिशिएंसी ओल्डर लीफ में देखी जाती है। एंड स्टीक्ड एंड पैची इफेक्ट, ये टर्म भी यूज़ करते हैं तो आप याद रखिएगा, स्टीक्ड एंड पैची, पैचेस से बने हुए दिखें अगर लीफ के ऊपर, है ना, तो वो पैची इफेक्ट के रूप में याद रखना है। और साथ में इंटरवीनल क्लोरोसिस विथ टिंट ऑफ रेड ऑरेंज पर्पल कलर, टिंट ऑफ रेड ऑरेंज पर्पल कलर, इस तरह का ये फंक्शन किसमें, ये एक तरह का डिफिशियंसी सिम्टम देखा जाएगा इन सम वेजिटेबल क्रॉप्स, वेजिटेबल क्रॉप्स में ऐसा चीज़ें देखी जाती है। तो ये भी मैग्नीशियम की डिफिशियंसी का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे, है ना। और साथ में जो बेहद फेमस टर्म है जो कि है ग्रास सिटैनी, ग्रास सिटैनी क्या होती है, क्रॉप्स वेल फर्टिलाइज विथ पोटेशियम एंड अमोनियम। अगर क्रॉप्स के ऊपर ज़्यादा अच्छे से फर्टिलाइजर दिए गए हैं पोटेशियम और अमोनियम के, लेकिन उसमें कमी है किसकी, मैग्नीशियम की, तो ये अच्छे से बातें याद रखिएगा ना, तीन एलिमेंट का नाम इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा। मोस्टली बच्चों को सिर्फ यही याद रहता है कि मैग्नीशियम की कमी से ग्रास रिटर्निंग, लेकिन ये भी याद रखें कि अगर क्रॉप फर्टिलाइज है अच्छे, उसमें कमी नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेंशन किया जाता है कि पोटेशियम और अमोनियम जो है अच्छे से प्रोवाइडेड हैं क्रॉप को, लेकिन मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है, तब ऐसी कंडीशन, ऐसी जो फॉरेज क्रॉप्स वगैरह जो है उनका अगर हम देखते हैं कैटल्स कंजप्शन कर लेंगे तो उससे उनके अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी जिसे हम कहते हैं ग्रास रिटर्निंग, ठीक है, याद रहेगा। तो ये कैटल्स के अंदर देखी जाती है ग्रास रिटर्निंग, डन। और हम देखते हैं एक और डिजीज़ इंपॉर्टेंट जो कि है सैंड्रॉन डिजीज़। क्या है, सैंड्रॉन डिजीज ऑफ टोबैको, है ना। तो ये एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है तो ये याद रखिएगा, लेकिन इसके बारे में कुछ खास इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल नहीं है कि सैंड्रॉन डिजीज़ के अंदर क्या होता है, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, बस इतना ही बताया कि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से होता है, क्या होता है मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन अगर आपको मालूम हो, क्योंकि मैंने ढूंढा बुक्स में मुझे नहीं मिला, लेकिन अगर आपको पता हो इसके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, हमेशा की तरह इस वीडियो में मैंने आपको जो कुछ एक्सप्लेन किया, मेरी कोशिश है उसकी एक PDF फॉर्मेट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो, उसे आप डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। साथ में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, और साथ में इस वीडियो का जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम सल्फर के बारे में अच्छे से बात कर रहे हैं। इस वीडियो से पहले हम कैल्शियम के बारे में अच्छे से बात कर चुके हैं, और उससे पहले हम NP और K के बारे में भी अच्छे से बात कर चुके हैं। तो अगर इस वीडियो से पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा, और साथ में इस तरह की वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिएगा एग्रीकल्चर स्टडीज़ से।